हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बनाने वाली हूँ पम्पकिन मिल्क, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने आधा कप पम्पकिन सीड्स को पूरी रात पानी में भिगो कर रखा और सुबह पानी से निकाल कर ब्लेंडर में डाल दिया और बहुत थोड़े पानी के साथ, आधे कप पानी के साथ इसे हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। एक बार ब्लेंड करने के बाद एक कप पानी डालकर फिर से ब्लेंड करेंगे, क्योंकि एक ही बार ज़्यादा पानी डाल दो तो ये अच्छे से ब्लेंड नहीं होता। अब एक साफ मसलिन बैग लेकर इसे हम छान लेंगे ताकि हमें एकदम स्मूथ पम्पकिन मिल्क मिले। अब ये पम्पकिन मिल्क तैयार। अब इसमें पानी अपनी इच्छा अनुसार डाल के इसे गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। पम्पकिन मिल्क पीजिए और हेल्दी रहिए। पम्पकिन मिल्क का तो मेन आइटम पम्पकिन सीड्स ही हैं, तो हम उसके बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं। पम्पकिन सीड्स, पम्पकिन सीड्स में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसकी थोड़ी सी अमाउंट से ही हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम और जिंक ये सब मिल जाते हैं। ये सभी हमारे हार्ट को हेल्दी रखने, प्रोस्टेट हेल्थ और कैंसर से बचाए रखने में हेल्प करते हैं। ये हमारी ब्लैडर हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद हैं। 28 ग्राम पम्पकिन सीड्स के मिल्क से ही हमें 151 कैलोरी मिल जाती है। इसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, जिंक, कॉपर ये सारे पाए जाते हैं। पम्पकिन सीड्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। विटामिन B2, राइबोफ्लेविन और फोलेट होते हैं, जो कि बॉडी के हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं। ये हमें बहुत सी बीमारियों से बचा कर रखते हैं। देखा फ्रेंड्स, पम्पकिन मिल्क हमारी हेल्थ के लिए एकदम परफेक्ट है। हमें पूरा दिन एनर्जी से भरा रखता है। तो आगे से कभी भी आप लो एनर्जी फील करें तो एक ग्लास पम्पकिन मिल्क पीजिए और हेल्दी रहिए। ओके फ्रेंड्स, ये ऐप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे हेल्दी रेसिपी के साथ।